भाई आप मन के हम मोर जोड़ीदार 2 देखे भाई, बहुत जोरदार एक्टिंग करे हो। अब सतीश भैया के पिक्चर में आप मन आ गए हो तो फिर तो कुछ पूछना ही नहीं है, कैसे टाइप का अनुभव है? 25 दिन शूटिंग की हो गए, का चल हट को देख ली मैं, कैसे टाइप के अनुभव है तला बताते हो आप सब लोग? पहले जय जवाहर। अभी तक के जो फिल्म में उन्होंने काम जो करे हैं सब वो सबसे हट के अभी मैं काम कराता हूँ जी। कवर के बहुत बारीकी चीज़ का सीखे मिले थे सतीश सर से। बोलता रहा मन टाइमिंग, एक्टर ला टाइमिंग से खेलना बारीकी, छोटे जो जो चीज़ रहते जो मतलब खुद पता ही नहीं रहता जो पहले जी। आज लेकिन सतीश सर के सेट में मतलब वो सीखे मिले थे, बहुत मजा आते और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ सब वो आर्टिस्ट के सहयोग मिला मोला जी। तो किसी टाइप के छोटे से अगर बात करें रोल का है मैं तो बोला था समझाते हो का? अब मैं अगर रोल ला बता दू ना तो फिर हाँ। पब्लिक ला अभी से जी जी, जी, जी। उत्साह नहीं रही। नहीं हमने देखा था वकील के गेटअप में हो तो वकील बने हो आप का है? तो खराब मन देखे और अच्छा। मैं तो दर्शक यही बोल हूँ की जिस दिन रिलीज हुई वो दिन आप मन देखो तो आप मतलब ज्यादा खुशी हुआ और माहौल अच्छा लगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना आपका। झांझी जी रजनीत भैया बहुत बहुत स्वागत है भैया। ये पिक्चर में किसी टाइप का आपमन के रोल है क्या तला बताते हो? मैं विधायक के रोल करत हूँ इस फिल्म में और बहुत चैलेंजिंग रोल है जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का, वो बहुत जबरदस्त शेड है मोर करेक्टर में। और ये फिल्म के निर्देशक भी सतीश भैया है और चल हट कोनो देख ली एक नवा मुकाम तय करी, एक नवा रिकॉर्ड बनाइए तय है। भैया आप मन के जो एक्टिंग के जो है आप कितना अकन रोल अभी तक कर चुके हो, ओमे और एमए कार तो डिफरेंट थोड़ा समझाते हैं। अबे फिल्म तो वही मोर 125वां फिल्म है और 125 फिल्म एक जैसे नहीं होते, सब फिल्म अलग अलग होते हैं, सब करेक्टर भी अलग अलग होते हैं और हर करेक्टर करे की अलग मजा, चाहे वो कर लेते छोटे हो ज्यादा। फिर ये कि मैं 125 फिल्म में अगर मैं कुछ फिल्म उंगली में गिन सकता हूँ अगर जीवन भर तो मैं ये फिल्म भी चल हट कोनो देख ली एक फिल्म है और बहुत जबरदस्त मोर करेक्टर है जो आजीवन मोला भी याद रही और दर्शक मनला भी याद रही, माया जरूर मिली मोला। बहुत शुभकामनाएं भी आपका।